वेलकम टू कार्बा अकाडमी और आज की इस वीडियो में क्लास नवी का गणित प्रश्नावली एक दशमलव तीन को हम लोग पढ़ेंगे इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप देख लीजिए क्योंकि इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से हम लोग को पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हम लोग को अच्छे से आ जाना चाहिए तो मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और कर भी रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत करिए क्योंकि नवी क्लास में जितना आप अच्छे से मैथ पढ़ लोगे ना आगे आने वाले क्लास में आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन इजी हो जाएगा और आज जो हम प्रश्न पढ़ेंगे ना प्रश्नावली दशमलव तीन में सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे समझ गए मेरी बात को तो चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न है आपका निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है आप लोग इससे पहले भी हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे कि कोई दसमलो प्रसार में करना होगा हो सकता है सातवीं या आठवीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं भी पढ़े होंगे ना तो हम है आप लोग को फिर से पढ़ा देंगे और आपको नवी क्लास में पहला प्रश्न मिल भी गया प्रश्नावली एक तीन में तो आइए बहुत ही आसान तरीका से इसको हम लोग पढ़ेंगे आपको डरना तो बिल्कुल नहीं है ठीक है क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे ना तो डरना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई तो आप लोग अच्छे से बस देखते चलो सारे क्वेश्चन समझ में आएगा ही आएगा ठीक है आइए तो देखिए पहला प्रश्न है मैंने पहले से लिख रखा है ठीक है पहला प्रश्न है कि छत्तीस बाटा सौ अब छत्तीस में सौ से भाग करना है और भाग करके दस मौलो प्रसार में लिखना है और साथ में ये भी बताना है किसका दस परसार किस प्रकार का है सांत है या अनवसानी है अनवसानी का मतलब होता है वो नहीं कटेगा जो पूरा पूरा कट जाएगा उसको शांत बोलेंगे और जो पूरा पूरा नहीं कटेगा उसको अनवसानी बोलेंगे समझ में आ रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो स्टार्ट कर दे चलो स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहले हम यहां से इक्वल का साइन दे देंगे ठीक है लेकिन आपको यहीं पर भाग नहीं करना है उसके लिए देखो एक पेज ले लो मेरे जैसा ठीक है या आपने कॉपी के लास्ट में चले जाना ठीक है और इस रफ पेज पर आपको क्या करना है छत्तीस में छत्तीस में सौ से भाग देना है सौ से भाग देना है तो देखो तो जब छत्तीस तो छोटा हो गया सौ से जी तो भाग तो नहीं जाएगा तो भाग नहीं जाएगा तो इसके लिए क्या रूल लगाएंगे रूल नंबर एक कि जब छोटा पड़ जाए जब भाग नहीं जाता है तो आप क्या करो यहाँ पर जीरो दशमलव दे सकते हो क्या दे सकते हो जीरो दशमलव अब जैसे मैंने जीरो दशमलव दिया अब यहाँ पर हम एक जीरो लिख सकते हैं क्योंकि आजादी मिल गया क्यों क्योंकि जीरो दस देने के वजह से कभी भी छोटा पड़े आप जीरो दस दे दो आप एक जीरो की जब भी जरूरत पड़ेगी आप दे सकते हो हमने जीरो दस दे दिया एक जीरो यहाँ पर हमने लिख लिया अब ये तीन सौ साठ हो गया अब भाग दो सौ में तीन सौ साठ से भाग देंगे कितने बार में जाएगा तीन बार में तीन सौ क्योंकि चार बार में ज्यादा हो जाएगा ज्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ से आ गया जीरो और यहाँ से आ गया छः और एक कट गया अभी भी नहीं कट गया अभी भी नहीं कटा ना तो नहीं कटा तो मैं क्या कर सकता हूँ एक जीरो यहाँ पर दे सकता हूँ क्यों भाई क्योंकि मैंने यहाँ पर दस मॉलो दे दिया है एक जीरो की छूट है दो जीरो लेंगे तो काम बिगड़ जाएगा लेकिन एक जीरो कभी भी आप दे सकते हो क्योंकि मैंने दस मॉलो दे दिया ठीक है अब क्या करेंगे सौ को छ बार में करेंगे तो छ सौ क्या हो जाएगा हो जाएगा ये पूरा पूरा देखो कट गया तो इसका जो आंसर आया जीरो दस तीन आया तीन और एक बात याद रखिएगा दस के बाद सिंगल सिंगल अंक को बोलना होता है दस के बाद सिंगल सिंगल अंक को बोलना होगा तो कैसे करेंगे जब मैंने भाग दिया तो आया है जीरो दस तीन छ जो बच्चा जीरो छत्तीस बोल देगा वो गलत बोल रहा है ऐसे नहीं बोलना चाहिए जीरो दस वालों के बाद एक एक अंक को बोलना होगा तो क्या गया कि देखो मेरा जैसे मैंने भाग दिया ना ये पूरा पूरा कट गया जब पूरा पूरा कट गया तो दस पर पार का दस पार सार किस प्रकार का है तो सात है जब पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या बोलेंगे सात। क्या बोलेंगे सात। इसको बोल देंगे सात ठीक है समझ में आया क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को नहीं है ना चलो अपने किताब में दूसरा प्रश्न देखो क्या दिया है दूसरा प्रश्न है आप देख सकते हो अपने अपने किताब में एक बटा एगारह एक बटा एगारह यह प्रश्न है अब एक बटा ग्यारह है मेरे भाई तो मैं क्या करूंगा एक में ग्यारह से भाग दे दूंगा आइए और हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि आप लोग अभी नाइन्थ में आए हो तो नाइन्थ में पता है सब बच्चा बच्ची बिगड़ जाता है मतलब लड़का लड़की से प्यार करेगी लड़की लड़का से प्यार करेगा यहां से आप लोगों का लव भी शुरू होता है तो मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ आप एक मेरे छोटे भाई बहन हो ठीक है मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है आप अभी नए नए नाइन्थ में आए हो तो नाइन्थ में जितना हो सके अच्छे से पढ़ना है इन लभेरियों के चक्कर में नहीं पढ़ना है लड़का को बताते हैं कोई लड़की हंसती है तो उसके पीछे नहीं जाना है और लड़की को भी बता देते हैं कि कोई लड़का आपसे प्यार नहीं कर सकता है वो लोग उल्लू बनाता है वो यूज करेगा आपको आप, आप बच्ची हो आप एक बच्चे हो मेरे भाई मेरी बहन इन सब चक्रों से आप लोग बच कर के रहो जितना बच कर रहोगे उतना आगे पढ़ने लिखने में तेज बनोगे अच्छे बनोगे इन सब चक्रों में पढ़ जाओगे नाइन्थ बर्बाद टेंथ बर्बाद फिर आगे तो इलेवेंथ ट्वेल्व ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा इसलिए इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है प्यार वार तो बिल्कुल नहीं करना है किसी से प्यार नहीं करना है आप लोग को प्रोमिस करो कमेंट बॉक्स में सर मैं किसी से प्यार नहीं करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ मम्मी और पापा और अपने फैमिली वाले से तैयार हो ना इसके लिए तो कभी नहीं करना ठीक है ना करोगे ना तो बहुत मार मारेंगे आपको समझ गया सुन रहे हो ना तुम को बोल रहा हो ठीक है ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना है पढ़ाई पर फोकस करना है मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और हाँ एक और इम्पोर्टेंट सूचना यह है कि यदि आप नाइन्थ क्लास में नए नए आए हो और पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो मैथ साइंस संस्कृत हिंदी इंग्लिश सामाजिक विज्ञान सब सब्जेक्ट पढ़ना होगा तो आप हमारे कार्ब अकाडमी देखो सी ए आर बी सी ए आर बी कार्ब और ए सी डी ई एम वाई कार्ब अकाडमी ऐप को प्ले स्टोर जाकर डाउनलोड कर लीजिए और ये देखो मात्र चार सौ निन्यानवे रुपए में पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है ठीक है यदि आपको यहाँ से ज्वाइन नहीं करने आ रहा है तो सर से बात करो सर का नंबर देते हैं सर से बात करो कि सर कैसे ज्वाइन करेंगे वो आपको बता देंगे ठीक है जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा चार सौ निन्यानवे में पूरा जब तक आप टेंथ में नहीं चले जाओगे यानी एक साल का फीस चार सौ निन्यानवे रुपए है जिनको ज्वाइन करना है मेरी भाई बहन पापा मम्मी से पूछो और इस नंबर पे कॉल करो जल्दी ज्वाइन कर लो सीट फुल हो जाएगा तो फिर हम नहीं जानते हैं फिर इसका फीस ग्यारह सौ हो जाएगा तो इसलिए जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करो ऑल सब्जेक्ट के लिए चार सौ निन्यानवे रुपये में ला दिया हूँ ये ऑफर है मेरे भाई बहन जल्दी मम्मी पापा से बोलो जल्दी ज्वाइन करो नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ग्यारह सौ रुपये लगेगा जिसको देने का मन है देंगे अभी मैं बता दिया जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन करेंगे चलिए इस सब बात को मैं खत्म करता हूँ मैं अपने पढ़ाई पर आ जाता हूँ ठीक है प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है लेकिन ध्यान देना ये मैं आपको पूरा नाइन में, में नहीं पड़ना है ठीक है लड़की को भौरों के चक्कर में नहीं पढ़ना है और लड़कों को तितलियों के चक्कर में नहीं पड़ना है समझ गए चलिए है अब देखो मेरे भाई वन बाई इलेवन मतलब वन में 11 से मतलब एक में ग्यारह से भाग देना है अब क्या भाग दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते छोटा पड़ गया ना तो छोटा पड़ गया तो टेंशन नहीं लेना है देखो मैं क्या बोला कि जद्दी आपको जीरो देना होगा तो पहले जीरो दस बैठा दिया करो मैंने जीरो दस जैसे बैठाया यहाँ पर मैं जीरो देख सकता हूँ एक लेकिन यहाँ एक जीरो देने के बाद भी छोटा पड़ रहा है तो मैं एक और जीरो यहाँ पर दूंगा लेकिन छूट देता है जीरो दस बैठाने से सिर्फ आप एक ही जीरो ले सकते हो एक और जीरो लोगे ना तो एक जीरो यहाँ पर देना पड़ेगा मैंने दे दिया चलो भाई ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इसको पहाड़ा पढ़ूंगा ग्यारह नवा निन्यानबे ग्यारह नवा निन्नावे ये देखो यहाँ पर हासिल गया दस दस में से नौ जाएगा एक और ये पूरा कट गया एक आ गया अब एक आ गया ना अब एक जीरो दे सकता हो बिल्कुल दे सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने दे दिया लेकिन एक जीरो से काम नहीं हो रहा है तो एक और जीरो देंगे तो यहाँ पर एक और जीरो बैठाना पड़ेगा अब एगारह नवा निन्नावे एगारह नवा निन्नावे यहाँ से एक आया कट गया मतलब ये बार बार चीजें आ रही है आगे भी करोगे ना एक जीरो बैठा सकते हो क्यों क्योंकि दस मोलो का भाई योगदान है लेकिन एक जीरो से हो नहीं रहा है तो एक और जीरो बैठाओगे तो एक और जीरो यहाँ पर देने पड़ेगा एगारह नवा ये देखो फिर से हमारा क्या आ गया एक मतलब ये जो जीरो नव है ना ये बार 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 आते जा रहा है आपका पेज खत्म हो जाएगा दुनिया का सारा पेज खत्म हो जाएगा लेकिन ये पूरा पूरा कभी कटने वाला नहीं है वो बार बार जीरो नौ जीरो नौ, जीरो नौ, जीरो नौ आते रहेगा तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि जब एक ही चीज बार बार आए ना तो जीरो दशमलव जीरो नौ लिख करके ऐसे और इस पर क्या कर देंगे बार चढ़ा देंगे अब बार आपकी कपार वाला बार नहीं है समझ रहे हो ना ये मतलब बार है मैथ का बार है ठीक है तो इस पर मैं क्या लगा दूंगा बार लगा दूंगा देखा ये बार है समझ रहे हो ना आपके वाली का बार नहीं है आपका वाला का बार नहीं है ये मैथमेटिकल बार है ठीक है समझ रहे हो ध्यान देना रहे पर तो ये जो बार लगाया मैंने ये क्या लगा दिया ये दर्शाता है कि ये चीज बार बार आएगा मैंने ये लिख दिया ना जीरो दसमलव जीरो नौ और इस पर बार लगा दिया इसका मतलब है कि बार बार चीजें आती रहेगी यानी जब मैंने इसको भाग दिया तो भाई ये रिजल्ट आ गया ठीक है तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं लिख सकता हूं कि जीरो दशमलव जीरो नौ जो आया है ये बार बार आ रहा है जब ये बार बार आ रहा है तो ये पूरा पूरा तो कटा नहीं ना आप चेक कर सकते हो पूरा पूरा कटा नहीं कटा नहीं कटा तो क्या बोलेंगे फिर बोलेंगे अनवसानी आवर्ती है क्या बोलेंगे अनवसानी अनवसानी आवर्ती 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 है, आवर्ती है। मतलब जो नहीं कटेगा अनवसानी जो पूरा पूरा कट जाएगा उसको शांत बोल देंगे ऐसे एक और इसका रूल है कि इसको अशांत भी कर सकते हो लेकिन अनवसानी आवर्ती लिखना क्योंकि आपकी किताब में भी यही बात लिखता है ऐसे आप अशांत आसा, भी लिखोगे तो कोई काट नहीं सकता यदि कोई काट देगा तो मैं उसको काट सकता हूँ समझ गए ऐसा कुछ नहीं है ठीक है चलो अब देखो देखो मेरी बहन थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है भाई भी देखेंगे सिर्फ बहन ही नहीं देखेगी फोर बाटा आठ क्या है फोर एक फोर नहीं आधा हिंदी आधा इंग्लिश नहीं चार पूर्णांक एक बाटा आठ है क्या है चार पूर्णांक एक बाटा आठ है अब देखो चार पूर्णांक एक बाटा आठ को मैं भाग कैसे दू तो नहीं दे सकते तो मैं क्या करूंगा तोडूंगा क्या करूंगा तोड़ूंगा क्या करूंगा तोडूंगा तो बत्तीस और ऊपर वाले को क्या कर देते देते हैं हैं जोड़ तो और एक तेतीस ये हो गया तेतीस बाटा आठ क्या हो गया तेतीस बाटा आठ हो गया सबको समझ में आ रहा है देखो वैसे कर दिया कि नहीं कर दिया तो ये हम लोग को भूलवाने के लिए देता है ऐसा क्वेश्चन कि थोड़ा सा बच्चा का माइंड घूम जाए गलती कर दे नंबर कट जाएगा आपको नंबर कटवाने के लिए इस तरह का प्रश्न देते रहता है सब एग्जामिनर ठीक है तो मैंने क्या किया आपको सिखा दिया कैसे पूर्णांक को तोड़ोगे पहले इनको करेंगे चारा बाटे बत्तीस ऊपर वाले को जोड़ देंगे तेतीस बाटा आठ हो गया अब तेतीस में आठ से भाग देना है तो उसके लिए मैंने ये रखा है तेतीस में आठ से भाग दे देंगे आइए तेतीस में आठ से भाग देंगे अठ चौ का बत्तीस अठ चौका बत्तीस यहां से आ गया एक नहीं जा रहा है तो यहाँ पर दस मॉलो दे देंगे देखो जीरो दस मॉलो कब देते हैं जब शुरू में ही जीरो दस मालो देना पड़ता है तो उससे पहले जीरो देना पड़ता है जब बीच में जरूरत पड़ता है तो सिर्फ दस मालों से ही काम चल जाता है ये सब पढ़ो समझो नॉलेज है ठीक है तो मैंने दस मालो दे दिया एक जीरो की छूट हो गई आठ को एक बार में चलेंगे तो आठ हो गया अब यहाँ से आएगा दो अब एक दस मॉलो देने से हमारा एक जीरो की छूट है मैं कभी भी जीरो हो तो आवश्यकता पड़ेगी एक जीरो की मैं दे सकता हूँ डबल पड़ेगा तो डबल यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर एक जीरो बैठाना पड़ता है तो आपको सब कंसेप्ट पता है मेरे को पता है ठीक है चलिए अब बीस है आठ दूरी सोलह आठ दूरी सोलह यहाँ से क्या आ गया चार एक जीरो की छूट है मैंने दे दिया आठ पाँचे चालीस वाओ पूरा पूरा कट गया जब पूरा पूरा कट गया क्या आया? बोलो एक दो पांच बोलना है बोलोगे ना भूलोगे नहीं ना मेरे भाई आप मेरे से पढ़ रहे हो मेरे भाई बहन तो आपको भूलना नहीं है क्योंकि मेरा मतलब कहना है कि आप लोग ऐसे पढ़ो कि लगे कि हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं और कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होती है हम है हम आपको तो बता ही दिए कि आप मेंबरशिप में ज्वाइन करो कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत होगा मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूँ टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं मेरे भाई चलो तो तेतीस में आठ से जब हमने भाग दिया क्या आया है चार दशमलव एक दो पांच इसको एक सौ पच्चीस नहीं बोलना प्लीज आप लोग नहीं बोलना नहीं बोलोगे ना बहुत बढ़िया तो इसको क्या बोलोगे एक दो पांच बोलोगे बोलोगे ये आ गया और ये पूरा पूरा कट भी गया है देखो पूरा पूरा कट गया है तो फिर क्या बोलेंगे बोलेंगे कि भैया ये तो शांत निकला रे तो तो शांत निकला क्या बोलेंगे शांत ठीक है चलिए अब तीसरा बन गया अब मैं चौथा को बनाता हूं चौथा क्या है भाई तीन बाटा तेरह क्या है तीन बाटा तेरह अब तीन बाटा तेरह है यानी तीन में तेरह से भाग देना है बाप रे बाप ये कैसे होगा अरे हो जाएगा मेरे भाई आओ ना यहाँ पर तीन में तेरह से ही ना भाग देना है तो टेंशन किस बात की नहीं जा रहा है तो बोलो कि जीरो दस तुम पहले ले लो हमने इसको दे दिया तो यहां पर एक जीरो की छूट हमें हो गई तो तीस हो गया तेरा दुना छब्बीस तेरा दुना छब्बीस यहां से कितना आ गया चार आ गया एक जीरो की छूट है मैं दे सकता हूं क्योंकि जीरो दस मो मैं स्टार्टिंग में ही बैठा लिया हूं तो तृतीया उनचालीस तृतिया उनचालीस हो गया यहां से आ गया एक क्या आ गया एक आ गया, एक आ गया। अब मैं क्या करूं अब हमको एक जीरो की छूट है मैंने दे दिया लेकिन काम बिगड़ गया क्यों इससे भी अभी भी छोटा हो रहा है तो एक और जीरो दूंगा ना तो यहाँ पर एक जीरो बैठाना पड़ता है अब क्या करेंगे सौ लाना है तो तिरसठानवे एक कितना हो गया एक यहाँ से कितना आएगा नौ और पूरा पूरा कट गया एक जीरो दे सकते हैं अब क्या करूंगा भाई तिरछाक अठहत्तर तिरछाक अठहत्तर तिरछ अठहत्तर यहां से दो और यहाँ से कितना एक बारह हो गया और मैं इसको एक जीरो दे सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है तिरानवा सत्रह से तिरानवा कितना होगा सत्रह से एक सौ सत्रह यहाँ से क्या आ जाएगा तीन देखो अब एक और जीरो देंगे ना यानी वही काम शुरू वाला फिर से शुरू हो गया हो गया क्या वही काम शुरू से फिर हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं समझ गया कि ये जो है ना ये दो तीन जीरो सात सात जो है ये ससुर बार बार आएगा हम लोग को तंग करके रख देगा तो मैं कैसे समझा भाई क्योंकि स्टार्टिंग में तीस आया था जब हम हमारा तो मैंने देखा कि ये रिजल्ट आया और लास्ट लास्ट तक गए तो यहां फिर से तीस आ गया तो तीस को फिर सॉल्व करेंगे तो यही कर, यही स्टेप आएगा क्या आएगा यही स्टेप आएगा तो मैं क्या समझ गया क्योंकि मैथ पढ़ रहे ना तो मैं हम लोग समझ गए क्या समझ गए कि यही चीज वार बार बार ससुर आने वाला है इस पर मैं क्या लगा दिया बार कि जो ससुर तेरे पे हम बर बार बर नहीं, नहीं। तेरे पे हम बर लगा दिए बर नहीं यार बार बार बर बोला जा रहा है कोई बात नहीं बर और दुल्हा बात मतलब बार बार पता नहीं क्यों आप लोग सोच रहे होगा इसके बारे में नहीं ना चलो तो इस पर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे क्या लगा देंगे बार बार लगाने का मतलब होता है कि यह चीज बार बार आ रहा है तो चलिए मैंने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो क्या आया है जीरो दस बोलिए आगे बोलिए दो तीन जीरो सात छ नौ आया है लास्ट में ना तेरह नवा सत्रह से यहाँ पर नौ आएगा नौ आएगा ठीक है नौ सत्रह से तो देखो तो इस पर मैंने क्या लगा दिया बार बार लगाने का मतलब होता है कि आपका पेज दुनिया का खत्म हो जाएगा लेकिन ये नहीं खत्म होने वाला ठीक है तो फिर इसे क्या बोलेंगे अनवसानी आवर्ती है अनु सानी अनवसानी आवर्ती अनवसानी आवारती है ठीक है समझ में आया क्या आया समझ में ऐसा तो नहीं है ना कि अपनी वाली के पीछे पड़े हो उसी के बारे में सोच रहे हो ऐसा नहीं है ना नहीं वैसा नहीं सोचना है ठीक है यहाँ पढ़ाई पर फोकस करना है अब ये नहीं कि यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और सोच रहे हो कि आज क्या गई थी आई थी तो कौन सा ड्रेस पहनी थी आज कैसी लग रही थी ये सब नहीं सोचना यहां पढ़ा रहे ना यहाँ पर फोकस करना है ठीक है समझ गए क्या समझ गए ना बहुत बढ़िया अब चला को मेरे को पता है दो बाटा एक क्या है भाई दो बाहर अब दो में ग्यारह से भाग देंगे उसके लिए मैं लाऊंगा रफ पेज रफ पेज पर दो में ग्यारह से भाग दूंगा नहीं जाएगा तो जीरो दस बैठा सकता हूं यहां पर हमने जीरो दे दिया एक बार में जाएगा ग्यारह यहां से आ जाएगा नौ एक जीरो दे सकता हूं ग्यारवा आठ अठासी ग्यारहवासी ये देखो फिर से दो आ गया मतलब ऊपर वाला काम फिर से शुरू होने वाला है तो मैं ऐसे ही समझदार निकला कि भाई एक कांटे क्या होने वाला है बार बार आने वाला है क्योंकि वही ऊपर वाला फिर से यहाँ से शुरू हो गया तो एक काट एक काट आट, एक कांटे बार बार ससुर आने वाला है तो मैं क्या करूंगा इस पर बार लगा दूंगा तो क्या आया रिजल्ट इसका जीरो दशमलव एक आठ आ गया और इस पर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे और बार लगाने का मतलब ये बार बार आने वाला है मतलब एक कटेगा नहीं पूरा पूरा तो मैं इसको फिर क्या बोल सकता हूं अनवसानी अनवसानी आवर्ती है ठीक है समझ में आया क्या सबको किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना चलो अब इसका अगला छ नंबर देखता हूँ छ नंबर क्या है छ नंबर तो बहुत बड़ा नंबर दिया है तीन सौ उनतीस बटा चार सौ दिया है तीन सौ उनतीस बटा चार सौ तो घबराना नहीं है बहुत ही आसान है आइए ना आइए ना आइए ना आइए ना तीन सौ उनतीस में चार सौ से भाग देता हूँ लेकिन बेचारा छोटा पड़ गया है तो कोई बात नहीं मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पर जीरो दशमलव दे सकता हूँ एक जीरो मैंने बैठा दिया अबे ये बत्तीस हो गया चार सौ में कितना से गुना कर दे कि बत्तीस आ जाए तो आठ बार में चार वाठ बत्तीस सौ ये देखो बत्तीस सौ हो गया यहाँ से जीरो ये नौ और ये पूरा पूरा कट गया अब क्या करेंगे एक जीरो दे सकते हैं क्योंकि दशमलव बैठा है चार दूनी आठ सौ ये हो गया आठ सौ ठीक है यहाँ से कितना आ जाएगा सौ आ जाएगा एक जीरो दे सकते हैं तो फिर से करेंगे चार दुनी आठ सौ ये हो गया आठ सौ यहां से आ जाएगा दो सौ एक जीरो बैठा सकते हैं चार पांच बीस चार सौ में पाँच से करेंगे तो दो हजार आ जाएगा और ये पूरा पूरा कट गया इतने बार में जब पूरा पूरा कट गया तो मैं लिखूंगा जीरो दशमलव आठ दो दो पाँच पूरा पूरा कट गया है तो बोलेंगे शांत है क्या बोलेंगे शांत ठीक है अब एक बात बताओ आप लोग को इस तरह का कभी प्रश्न मिलेगा तो छोड़ोगे जी नहीं ना उड़ा दोगे ना बना दोगे ना उड़ाने का मतलब है बना दोगे ना एग्जाम में आएगा तो छोड़ोगे तो नहीं ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सर जी एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आप टेंशन डालो मैं भी खुश आप भी खुश ठीक है चलिए तो क्वेश्चन नंबर वन हमारे सभी भाई बहनों को सभी हमारे दोस्तों को कंप्लीट हो गया अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू क्या है देखो थोड़ा ध्यान से थोड़ा इसको नजर ना लगे ध्यान से देखना ठीक है आप जानते हैं कि एक बटा सात बराबर जीरो दशमलव एक चार दो आठ पांच सात है मतलब एक में सात से भाग देने पर ये रिजल्ट आता है तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि दो बटा सात तीन बटा सात चार बटा सात पांच बटा सात छः बटा सात के दशमलव पर क्या है यदि हाँ तो कैसे अच्छा देखो मैं इस प्रश्न को पहले से लिख करके रखा है ठीक है ना ये देखो पहले मैं आपको प्रश्न ही समझा देता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्रश्न नहीं बच्चे को प्रश्न ही नहीं समझ में आता है कि आखिर प्रश्न कह क्या रहा है ठीक है आइए पहले देखिए जो प्रश्न है ना कि जब एक में सात से भाग किया है तो ये रिजल्ट लाकर के दिखा दिया है किसका रिजल्ट है 0.1428 पाँच सात और इस पर बार लगा हुआ है मतलब ये चीज बार बार आएगा ठीक है तो अब आपसे कहा गया है कि चलो भाई ठीक है आपने ये चीज मैंने आपको करके दिखा दिया है कि एक बटा सात को करने पर यह चीज़ आ रहा है तो क्या आप मेरे को ऐसे ही दो बटा सात को बता सकते हो दो बटा सात के लिए तो कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं लेकिन कहोगे सर जी पता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ आप बताओ तो पहले तो चलो आओ बता देते हैं सबसे पहले दो बटा सात जो है ना दो बटा सात मैं इसको क्या लिख सकता हूँ क्या मैं दो बटा सात को दो गुना एक बटा सात लिख सकता हूँ क्या कहोगे सर कैसे तो देखो दो गुना एक बटा सात का मतलब है कि एक और दो को पहले क्या करेंगे गुना तो दो गुना एक दो हो गया नीचे सात है समझ में आया क्या आया दो बटा सात को दो गुना एक बटा सात लिख सकते हैं क्यों क्योंकि दो गुना एक बटा सात मतलब जब दो और एक से गुना करेंगे तो दो हो जाएगा नीचे सात हुआ गया सेम चीज तो मैं अब देखो क्या करता हूँ ये दो का दो अगुना एक बटा सात का मान हमें पहले से किताब में रखा हुआ है बिना कुछ किए ही तो बस एक बटा सात के मान ये वाला यहाँ पर लिख देंगे जीरो दशमल एक चार दो आठ पाँच सात ठीक है अब क्या करेंगे दो से इसमें गुना कर देंगे अब गुना करेंगे तो क्या होगा अब आपको क्या करना होगा जाना होगा रफ में रफ में आ करके गुना करना होगा आइए मैं गुना करके दिखा देता हूँ जीरो दशमल एक चार दो आठ पाँच सात है और इसमें दो से गुना करना है ठीक है तो दो सत्र चौदह की चार हासिल एक दो पाँचे दस एक ग्यारह आठ दूनी सोलह एक सत्रह दो दूनी के चार एक पाँच चार दूनी आठ दो दू, से दो पॉइंट है तो पॉइंट और दो जीरो से करेंगे जीरो ये आ जाएगा रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा गुना करने पर आया है जीरो दशमलव दो आठ पांच सात एक चार आएगा देखा रिजल्ट आ गया समझ में आया सबको तो गुना ही तो करना है वैसे ही तीन बटा सात को बताना है तो तीन बटा सात बराबर तीन गुना एक बटा मैं सात लिख सकता हूं कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो अब तो अब तो हम लोग समझ गए समझदार बन गए चलिए भाई समझदार बन गए तो अब करिए आप ही आगे काम एक बटा सात का मान थोड़ा बोल दीजिए बोलिए बोलिए लड़की बोलेगी सिर्फ जीरो दसमलव एक चार एक बोल रहा है कि सर लड़का कहाँ जाएगा ना लड़का भी बोलो बोलो ना भाई तुम्हारा मन है बोलो जो मन है सो बोलो ठीक है हाँ एक मिस्टेक हो रहा है कि जब एक सात का जो मान था इस पर बार था तो मैं यहाँ पर बार लगा दूंगा ठीक है इस पर क्या करूंगा बार लगा दूंगा जीरो पर बार नहीं होगा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बार होगा और लास्ट में यहाँ पर भी बार लगा देंगे ठीक है छोड़ना नहीं है यहाँ पर भी बार क्या करेंगे लगा देंगे अब इसको क्या कर देंगे गुना तो अब इतना से तीन से गुना करना है तो जब इसको गुना करोगे ना मैं डायरेक्ट लेता हूँ मेरे को पता है कहोगे सर कैसे भाई पता है इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूं ना तुम्हारे जैसा ऐसा थोड़ी एक बार बार गुना करने जाएंगे चौदह ती बयालीस ऐसे ही पता लग रहा है और इसमें कुछ करना ही नहीं होता है ठीक है तो क्या गया? आ गया बयालीस आठ पाँच सात और सात तरीके का इस एक होगा ठीक है इतना हो जाएगा इस पर क्या कर देंगे बार लगा देंगे मैंने डायरेक्ट कर लिया आप लोग क्या करो रफ पेज है ये इतना में अब तीन से गुना करके लिख देना है आपका भी बराबर ही आएगा अलग थोड़ी आएगा ठीक है समझ में आ रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा तो बताना मेरे भाई किसी को प्रॉब्लम कुछ भी एक परसेंट भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझ गए क्योंकि मेरा क्लास कर रहे हो और मेरा क्लास में एक भी प्रॉब्लम किसी को होना नहीं चाहिए ठीक है चार गुना एक बटा सात मैंने लिख दिया अब चार है अगुना एक बटा सात है एक बटा सात का मान क्या है जीरो दशमलव एक चार दो आठ पाँच सात है है ना अब इसको गुना कर दो मैं गुना करूँगा डायरेक्ट चौदह 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 अठाई दो छप्पन कितना हो जाएगा जीरो अच्छा बार को लिखना ना भूलो न तो गलत हो जाएगा फिर जीरो दशमल लो पाँच पाँच छः नहीं होगा बल्कि सात होगा क्या होगा सात होगा ठीक है और पाँच सात एक चार दो आठ आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है अब क्या करो रफ में जाओ इतना और इतना से गुना करके चेक कर लेना मेरे को डायरेक्ट ही गुना करने आया था ट्रिक जानता हूँ उस ट्रिक को आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है टाइम बर्बाद होगा ठीक है आगे चल कभी अभी बता देंगे ठीक है पाँच गुना एक बटा सात लिख सकता हूँ कहोगे सर बिल्कुल तो पाँच का पाँच और एक बटा सात का मान क्या है जीरो दस मो एक चार दो आठ पाँच सात है और बार लगा है तो बार को रखेंगे और इनको क्या कर देंगे गुना तो गुना करेंगे तो आएगा चौदह सत्तर ना और इकहत्तर इकहत्तर सॉरी सात एक इकहत्तर नहीं बोलना होता है चार दो आठ पाँच सिंगल सिंगल अंक को बोलना पड़ता है ठीक है बार लगा दिए अब छः बटा सात है छः बटा सात के लिए क्या करेंगे छः गुना एक बटा सात तो क्या होगा छः गुना एक बटा सात का मान है जीरो दशमलव एक चार दो आठ पांच सात इस पर लगा देंगे बार अब ये देखो तो क्या हो जाएगा जब गुना करेंगे तो जीरो दशमलव सात चौदह आठ पाँच आठ पाँच सात एक चार दो हो जाएगा इस पर बार लगा देंगे तो कुछ नहीं है बस यहाँ पर समझाए होंगे तभी आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कोई भी कितना भी करे अब सात बटा सात को बोले चाहे आठ बटा सात का बोले किसी का भी करें बस आप गुना करके अब बस आपको लिख देना है इसमें कुछ करना ही नहीं है ठीक है समझ में आया क्वेश्चन किसी को प्रॉब्लम है क्या नहीं है ना तो चलो जब प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर थ्री के साथ में थ्री देखो क्वेश्चन ये है ये क्या बोला है निम्नलिखित को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू जीरो देखो ये जीरो दशमलव छः पर बार लगा हुआ है और इसको हमें पी बटा क्यू के रूप में लिखना है पी बटा क्यू मतलब बटे में इसको फ्रैक्शन यानी भिन्न में लिख देना है अब कैसे करेंगे भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ ये पूरे नाइन्थ क्लास में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सोच लो कोई भी एग्जाम होगा उसमें पक्का प्रश्न पूछे जाएंगे इतना इम्पोर्टेंट है तो क्या सोचते हो इस क्वेश्चन के बारे में आपके वाली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान से देखना है समझ गए चलिए तो आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं कर दो रेडी हो समझते रहना नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा सबसे पहले जो दिया रहता है ना उसको एक्स मान लो तो मैंने क्या किया माना माना एक्स बराबर जीरो दस छः पर बार इसको इंग्लिश में रेकरिंग भी बोलते हैं ठीक है ठीके? हमने इसको एक्स मान लिया अब एक्स मानने के बाद इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ का कि एक्स बराबर जीरो दस ये जो ये पर छिंग यानी बार का मतलब है कि छ बार बार आ रहा होगा ऐसे छ डॉट 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 ऐसे आते रहा होगा ठीक है जीरो छः पर बार का मतलब है कि छे जो है बार बार आ रहा होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ऐसा नहीं कि चार तक ही लिख सकते हैं पांच छे तक भी लिख सकते हैं लेकिन जितना जरूरत है उतना ही लिखेंगे जल्दी बनना चाहिए ठीक है टाइम भी बर्बाद नहीं करना है तो मैं इस छे का मतलब हुआ कि बार बार आते रहेगा डॉट डॉट लगने का मतलब बार बार आते रहेगा और ऐसे करने के बाद मैं इसको समीकरण एक मान लेता हूं क्या मान लिया समीकरण एक मान लिया अब देखो जीरो प्वाइंट दस मालों के बाद एक अंक है ना जब एक अंक रहेगा तो दोनों तरफ दस से गुना करेंगे दो रहेगा तो सौ से करते हैं वैसा प्रश्न मिलेगा बताएंगे ठीक है तो दस के बाद एक अंक है तो मैं क्या करता हूं समीकरण फर्स्ट ये जो समीकरण फर्स्ट है ना लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में दस से दोनों तरफ गुणा करने पर दस से दोनों तरफ दोनों तरफ गुणा दोनों तरफ गुणा करने पर ठीक है चलो भाई करते हैं दोनों तरफ तो एक में दस से करेंगे ये एक दस एक्स हो जाएगा अब जीरो दसमलो देखो यहां पर है ना जब जीरो छः छः में दस से गुना करेंगे तो पता है क्या होगा ये हो जाएगा छे दसमलो छ छः डॉ डॉट आते चले जाएगा मतलब जब आप जीरो दशमलव छः छः में आप दस से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा छः दस छः छः हो जाएगा समझ गए तो जब हम इसमें दस से गुना करेंगे तो छः दसमल छः छः आ जाएगा ठीक है गुना सबको करने आता है नहीं आता है तो कैलकुलेटर में चेक कर लो मेरा गलती नहीं हो सकता है ठीक है तो मैंने जब इसमें दस से गुना किया तो ये आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं अब आगे बढ़ो अब बीच में बराबर का साइन है तो यहाँ पर इम्प्लाई रेट का साइन देना जरूरी है ये भी ध्यान रखो ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इसे ध्यान देना ये दस एक्स का दस एक्स अब एक बात बताओ छः इतना को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 6 प्लस जीरो दसमलो छ छोट डॉट मतलब इसको मैं दो भाग में बांट दिया मतलब छः को अलग कर दिया और दशमलव वाला को इधर कर दिया जब इसको जोड़ेंगे ना यही वाला चीज आएगा तो इसी को मैंने अलग अलग कर लिया है कोई प्रॉब्लम बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ो अब मैं क्या करता हूं ये का टेन ठीक है और छः का छे, अब प्लस ये बराबर है तो इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स यहाँ पर आया है तो इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स लिख सकता हूं मैंने लिख दिया एक्स ठीक है अब देखो ये दस एक्स और ये प्लस रह जाएगा तो माइनस और बराबर में छ यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से जब घटाएँगे तो ये हो जाएगा नौ एक्स बराबर छ यहाँ से एक्स बराबर करेंगे तो हो जाएगा छः बटा नौ इसको कटा दो तीन से तीन दुना छः तिथरी का नौ यानी एक्स का जो मान आया तीन बटा दो आ गया देखो ये पी बटा क्यू के रूप में हो गया क्यू का मान जीरो भी नहीं है तो इसी को हम लोग सल्व कर लिए जिसको बोला गया था कि पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए हमने पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर लिया जब भी प्रश्न आएगा आपको पांच नंबर में प्रश्न आ सकता है ठीक है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें और है चलो उसको भी देखता हूं ठीक है इसका सेकेंड प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फोर सेवन और सेवन पर सिर्फ बार है ठीक है तो मैं इस प्रश्न को कैसे करूं सबसे पहले देखो जो प्रश्न दिया रहता है ना उसको आप मान लो क्या बोले थे आपको माना माना एक दसमलो चार सात और सात पर लग जाएगा बार ठीक है मैं ऐसा कर लिया अब मैं इसको लिख क्या सकता हूं आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है भाई कि जीरो दशमलव चार और सात का मतलब है बार का सात बार, बार 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 आएगा सिर्फ सात पर बार है तो यानी सात ही बार बार आ रहा है चार नहीं सात बार बार आ रहा है इसको डॉट डॉट करके मैं समीकरण एक मान लिया ठीक है कोई प्रॉब्लम किसी को चलिए अब देखेंगे कि दस मॉलों के बाद कि, किस अंक पर कितने बार बार है मतलब कौन से मतलब डबल अंक पर जब बार रहेगा तो सौ से गुना करते हैं जब सिंगल पर रहेगा जब सिंगल पर रहेगा तो किससे करेंगे दस से करेंगे तो मैं क्या करता हूँ समीकरण फर्स्ट सिंगल अंक पर बार है तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ दोनों तरफ दस से गुणा करने पर दस से गुणा दस से गुणा करने पर ठीक है तो जब इसको दस से गुना करेंगे तो हो जाएगा दस एक्स बराबर इसमें दस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आ, चार दस मो चार दस लो सात 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 डॉ डॉट चलते जाएगा ये बन गया इसको मैं मान लूंगा समीकरण दो इसको मैं मान लिया समीकरण दो अब आप कहोगे सर उस प्रश्न में तो ऐसा नहीं किया था आपने यहीं से हमारा काम हो गया था तो देखो दस मालो के बाद दो अंक है तो दो अंक को करने के लिए मतलब ये सैतालीस एक रूप से कहें तो ये सैतालीस के फॉर्म में है और यहां भी चार के रूप में आया मतलब डबल अंक के रूप में इसको बनाना होगा ठीक है तो मैं अब क्या करता हूं? इसमें और दस से गुना कर देता हूं समीकरण समीकरण दो में दो में दोनों तरफ दोनों तरफ दस से गुणा गुणा करने पर क्या हो जाएगा दस में दस से गुना करेंगे सौ हो जाएगा और इसमें इस बार दस से गुना करेंगे तो एक अंक किधर आ जाएगा यानी सैतालीस पॉइंट सात 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 डॉट ये आ जाएगा ठीक है समझ गए कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को अब आप सर एक ही बार सौ से ही कर तो अच्छा रहता तो दोनों पर जब बार आता तब कर सकते थे अलग रहेगा तो दो बार आपको ऐसे करना ही पड़ेगा ठीक है अब चलो अब मैं क्या कर सकता हूँ बीच में बराबर का साइन है तीन इम्प्लाई का साइन दे देंगे और ये सौ एक्स बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या जो सैतालीस है ठीक है ना जो सैंतालीस है मैं इसको तैतालीस तैतालीस प्लस चार दसमलो सात 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 डॉट लिख सकता हूँ कहोगे सर कैसे लिख सकते हो तो देखो इस सैतालीस को मैंने सैतालीस प्लस चार कर दिया और जो दशमलव के बाद अंक था उसको भी मैंने जोड़ दिया मतलब सैतालीस पॉइंट सात सात को मैं दो भाग में काट दिया भाई बांट दिया काटा नहीं बांटा है ठीक है कैसे भाई तैतालीस प्लस चार दसमलव इतना तो मतलब दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये चीज आ जाएगा अब कहोगे सर हम लोग को कैसे पता चलेगा तो देखो सैतालीस है ना तो सैतालीस है मेरे भाई तो क्या ऐसा सोचो ऐसा सोचो कि मतलब कि दोनों को अलग अलग इसको जब दो भाग में बांट दे तो हमारा इस तरह का कोई कम्बिनेशन आ जाए ये इस तरह का या इस तरह का ठीक है जैसे मैंने इसमें किया था ना जब इसको ए आया था तो मैंने दो भाग में बांट दिया था कैसे छे को कर दिया था और ये जो पार्ट था ये ऊपर वाला पहले से मिल रहा था तो यहाँ भी वही काम किए हैं ये जो हमारा पार्ट है जो हमारा चार दशमलव सात सात है ये वाला पार्ट यहाँ पर मिल रहा है मिल रहा है ना तो सैंतालीस को मैंने ऊपर से देख लिया कि यदि मैं तैंतालीस और चार करूंगा तो हमारा काम हो जाएगा तैतालीस प्लस चार दशमलव सात सात जोड़ देंगे तो हमारा सैतालीस दशमलव सात सात मिल जाएगा ये तो अपने आप बनाओगे तो आ जाएगा ठीक है टेंशन नहीं लेना है ठीक है चलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ सौ एक्स बराबर ये तैतालीस और ये देखो तो चार दशमलव सात सात के बदले क्या ले सकते हो दस एक्स लिख सकते हो क्या क्योंकि बराबर है उसके तो मैंने कर दिया उसके बदले दस एक्स अब यहाँ से सौ एक्स और ये एक प्लस है बराबर की सड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर तैतालीस ठीक है कोई दिक्कत हो रही है क्या किसी को किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है चलिए अब यहाँ से आ जाएगा नब्बे एक्स बराबर तैतालीस अब क्या कर दूँ यहाँ से मैं करता हूँ एक्स बराबर ये एक तैतालीस है और एक गुना कर दिया तो भाग देखो P बटा क्यू के रूप में आ गया कंप्लीट हो गया आंसर बहुत ही आसान है यदि आप बनाते हो तो मेरे भाई बहुत ही आसान है इतना आसान है कि मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में ठीक है बहुत आसान है तो चलिए प्रश्न संख्या दो भी कंप्लीट हो गया अब इसका प्रश्न संख्या तीन है ना उसको भी मैं देख लेता हूँ एक भी प्रश्न को छोड़ने वाले नहीं है थोड़ा सा देर लग जाए अलग की बात है ठीक है लेकिन प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं क्या है जीरो दसमलव जीरो जीरो एक है देखो प्रश्न मैदार आ गया जो मैं कब से कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा था वही आ गया जीरो जीरो एक और तीनों पर रिकरिंग है तीनों पर रिकरिंग है तो कितना हजार से गुना कर देंगे काम हो जाएगा तो सबसे पहले यदि आपको मैं दे देता हूं कि आप एक प्रश्न आप खुद कर दो तो क्या कर दोगे कर सकते हो मेरे को बिलीव है आप पे माना सबसे पहले क्या करोगे माना एक बराबर जीरो दशमलव जीरो, जीरो जीरो एक मैंने इसको एक्स मान लिया ठीक है अब देखो एक इसको राइट क्या कर सकते हो भाई कि जीरो दस मान लो जीरो जीरो, जीरो जो एक है, ये बार बार आ रहा रहा है है क्या हो रहा है भाई ये बार 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 आ रहा है लिख सकते हो डो डॉट करके इसको मान लो समीकरण पहला अब तीन अंक पर रिक्रिंग है ना तो कितना से हजार से गुना करना होगा तो लिखेंगे समीकरण समीकरण एक में दोनों तरफ दोनों तरफ एक हजार से एक हजार से गुणा एक हजार से गुणा करने पर क्या हो जाएगा जब एक हजार से गुणा करोगे तो ये एक हजार एक बन जाएगा अब जब एक हजार में इसमें गुणा करोगे ना तो तीन अंक के बाद कितना अंक तीन अंक के बाद तो देखो दशमलव के बाद एक दो तीन क्या हो जाएगा एक दस मलो जीरो जीरो, जीरो 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 एक हो जाएगा डॉट डॉट चलते जाएगा जब इसमें गुना करोगे तो यहां से तीन अंक के बाद क्या लग जाएगा दशमलव तो देखो एक एक दो तीन एक पॉइंट इतना हो जाएगा जब इसमें इसमें हजार से गुना करेंगे तो ठीक है एक दस इतना हो गया अब देखो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं ये एक हजार एक अब इसको अलग अलग भागों में बांट देता हूँ तो एक प्लस एक प्लस जीरो दस जीरो जीरो एक लिख सकता हूँ जीरो जीरो एक लिख सकता हूँ क्योंकि ये डॉट चलते जाएगा इसको मैंने दो भागों में बांट लिया अब क्या करें यहाँ से एक हज़ार एक बराबर ये एक अब प्लस इसको मैंने क्या माना है टोटल को एक माना है ना तो यहाँ पर मैंने एक दे दिया ठीक है अब क्या हो जाएगा इसको इधर लेकर आएंगे एक हजार और एक और ये प्लस आएगा तो माइनस बराबर में एक यहाँ से क्या हो जाएगा नौ सौ निन्यानवे एक बराबर एक हो गया यहाँ से एक बराबर करेंगे तो एक और ये गुना कर तो भाग कर देगा ये देखो पी बटा क्यू के रूप में हो गया जब पी बटा क्यू के रूप में हो गया तो मेरा काम हो गया समझ गए यही तो करना था आप लोगों को तो बहुत ही आसान प्रश्न है आप यदि अच्छे से बनाते हो तो ठीक है तो प्रश्न संख्या तीन जो था हमारा हो गया। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं है अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए पहले मैं क्या करूंगा इसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करूंगा उसके बाद में आश्चर्यचकित होऊंगा होगा कि बेहोश हो जाऊंगा कि मैं मर जाऊंगा कि क्या होगा उसके बाद ही पता चलेगा ठीक है ना तो पहले इस क्वेश्चन को सल्व करता उसके बाद पता चलेगा हम लोग अपने में कर लेंगे मैं हूँ आपका अध्यापक आप हो मेरे स्टूडेंट ठीक है तो फिर हम लोग डिस्कर्स कर लेंगे ठीक है समझ में आ रही है मैं क्या करना चाह रहा हूं ना पहले इसको पी बटाक्यू के रूप में करो आ जाओ यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेंगे या हिंदी में हल भी लिख सकते हो ठीक है क्या करें सबसे पहले भाई इसको मान लो एक्स माना माना एक्स बराबर जीरो दस वालो नौ 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 डॉ डो डॉ ठीक है अब मैंने इसको एक्स मान लिया इसको कर दो समीकरण एक अब देखो तो यहाँ नौ नाने नौ का मतलब क्या नौ पर सिर्फ है क्योंकि नौ बार, बार आ रहा है मतलब एक अंक पर है तो कितना से गुणा करना होगा दस से तो लिखेंगे समीकरण एक में समीकरण एक में दोनों तरफ दोनों तरफ दस से गुणा करने पर गुणा करने पर ठीक है हो जाएगा दस एक्स बराबर इसमें जब करेंगे तो नौ दसमलो नौ 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 डो डॉट आते जाएगा ठीक है अब मैं क्या कर सकता हूं इसको दस एक्स बराबर इसको दो भाग में बांट सकता हूँ नौ प्लस जीरो दशमलव नौ 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 डो डॉट अब आपको बातें समझ में अच्छे से आ रही होगी आ रहा है ना चलो अब मैं क्या करता हूँ दस एक्स बराबर ये नौ और प्लस ये जीरो दस नौ नौ किसके बराबर हमने माना है भाई स्टार्टिंग में ही एक्स के तो मैंने कर दिया एक्स अब क्या होगा दस एक्स और ये एक प्लस कर जाएगा तो माइनस बराबर में नौ यहाँ से कितना जाएगा? आ जाएगा नौ एक्स आ जाएगा बराबर में नौ एक्स बराबर करेंगे तो नौ बटा नौ कटा देंगे एक बार में यानी एक्स का जो मान आएगा एक आ गया एक्स का मान एक आ गया अब देखो आपसे यही बोला गया था ये तो पी बटा क्यू के रूप में हो गया ठीक है अब आपको सर कैसे पी बटा क्यू के रूप में हो गया भाई कोई भी संख्या को आप एक से भाग दोगे तो क्या होगा एक ही होगा यानी हमारा एक का जो वैल्यू एक आया है ये के रूप में हो गया क्योंकि कोई भी नंबर में एक से भाग दोगे तो हमारा हमेशा एक ही आता है तो आप एक लिखो चाहे एक बटा एक लिखो बात एक ही है हमारा पी बटा क्यू के रूप में ये है ओके अब हमें पी बटा क्यू के रूप में दर्शा दिए तो बोल रहा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं भाई आचार्य चकित क्या है आचार्य चकित थोड़ा बहुत है क्योंकि एक का मान एक आया है और पहले से हमारा ये मान दिया था मतलब छोटा सा माइनर दोनों में डिफरेंट है अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर पर सार्थकर्ता कीजिए सार्थकर्ता पर चर्चा कीजिए भाई क्या करेंगे चर्चा देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ पर मान लो कि जीरो मान नौ 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 है और यहाँ पर एक है तो दोनों में जानते हो बहुत थोड़ा सा माइनर अंतर है सिर्फ एक का मतलब जीरो एक, एक एक का मतलब माइनर दोनों में अंतर है कोई ज्यादा बड़ा छोटा नहीं है तो मैं सिर्फ यही लिख दूंगा मैं आपका टीचर हूं ठीक है तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूं बच्चों इससे हमें आपसे मैं बात कर रहा हूं ध्यान से सुनना बच्चों इससे हमें यह पता चलता है यह पता बच्चों हमें इससे यह पता चलता है यह पता चलता है कि जीरो दशमलव नौ 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 डॉट डॉट और एक में एक में बहुत कम बहुत कम अंतर है बस यही बात आपको लिख देना है बस मैं आपसे यही चर्चा किया यही चर्चा करने के लिए बोला गया था ठीक है और आश्चर्यचकित मत होना बेहोश मत हो जाना ठीक है ना हाँ पढ़ाई करना है और बाकी कामों पर फोकस नहीं करना है जो मैं स्टार्टिंग में बोला था ना उन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है मैं आप लोगों के साथ मस्ती के साथ पढ़ाना चाहता हूँ इंटरेस्ट थोड़ा आप लोग को जगे रहे ताकि आप लोग बोर फीलिंग ना हो तो मैं ऐसा बातें बोल देता हूँ यदि किसी को बुरा लगा होगा तो उनसे सॉरी बोलना चाहता हूँ मेरे भाई लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि आप लोग को एंटरटेनमेंट के थ्रू पढ़ाए ताकि आप लोग को मन लगे रहे ठीक है समझ गए बात को बुरा ना मानना किसी लोग ठीक है चलिए तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं क्योंकि हम लोग चार तक पढ़ लिए पार्ट टू में पाँच छः सात आठ नौ को पढ़ लेंगे ठीक है और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं एक बार लास्ट में फिर से बोल देना चाहता हूँ ठीक है सारे वीडियो ठीक है यदि आप लोग को सारे क्लास करना है यदि साइंस मैथ हिंदी संस्कृत इंग्लिश सोशल साइंस मतलब ऑल सब्जेक्ट करना है तो चार सौ निन्यानवे रुपया फ़ी है आप ज्वाइन करने में क्यों देर लगा रहे हो ठीक है मम्मी पापा से बात करो कि एक साल का फ़ी मान लो चार सौ निन्यानवे रुपया है और इस नंबर पे कॉल करके मम्मी पापा से भी बात करा सकते हो वो सर आप लोग से बात कर लेंगे अच्छे से अब बार बार मौका नहीं मिलता है नाइन्थ क्लास में एक बार पढ़ना है यदि अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो नहीं तो फ़ी बढ़ जाएगा फिर तो फिर आप पहओगे अभी चार सौ निन्यानवे में ऑल सब्जेक्ट एक साल के लिए इतना कम फी लग रहा है तो ज्वाइन कर ही लो ठीक है और कार्ब अकाडमी ऐप को भी डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो नहीं करने आ रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके सर से बात जरूर करना ज्वाइन कर लो फिर बाद में पहताना पड़ेगा मेरे भाई ठीक है ना तो पापा मम्मी से बात करके ही लेकिन कॉल करना या ज्वाइन करना ठीक है आपको नहीं बात करने आ रहा है पापा से बात कराइए मम्मी से बात कराइए आपके घर में गार्जियन हो उनसे बात कराइए सर से वो बहुत ही अच्छे से आपको समझा देंगे फिर आप क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा फिर आप ऐप से पढ़ने लग जाएंगे तैयार हैं आप लोग चलिए देखते हैं कितने बच्चे जोड़ते हैं आज थैंक यू सो मच मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में